उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां गैस सिलेंडर के फटने से एक जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके से सब्जी मंडी में अफरा तफरी मच गई। दरअसल सदर कोतवाली इलाके में पूरी व्यापारी के घर कारखाने में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका हुआ। तेज धमाके की वजह से मकान की छत उड़ गई और पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में एक ही परिवार के एक महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। वहीं जानकारी के मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने बेकाबू आग को नियंत्रण किया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से दर्जन भर घरेलू सिलेंडर भी बरामद किए हैं। बहरहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। अभी सही हो जाएगा। देखो कहाँ है यार, देखो सिलेंडर फेंक गया इसके अंदर, फटा लग रहे हैं। आप इधर आ जाइए, एक मिनट, आप ऊपर से जल्दी बुलाओ यार गाड़ी, डलवा के साहब जल्दी आओ। नहीं है कुछ तो बचा नहीं, क्या बताएं कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं बचा हम लोग पास। क्या चढ़ा रहा है कुकर पर में? खाना बन रहा है, सिलेंडर चेंज करके लगाया गया था। खाना बना रही थी, खाना सब्जी छौंक रही थी, मम्मी लीक कर रहा था सिलेंडर। ये यहाँ पे ऐसे हुआ, सिलेंडर दगने से आग लगी, समझो इसमें कम से कम दो सिलेंडर दग गए, काफ़ी समय हो चुका है। अभी पुलिस अभी थोड़ी देर से पहुँची आके, समझो इसलिए जो है बताया जा रहा है कि जो है अभी एम्बुलेंस भी नहीं पहुँची आके है, अभी थोड़ी देर है, अभी फायर ब्रिगेड भी नहीं आई है। अभी 5-6 लोग घायल हो गए हैं कम से कम, समझो। अभी ठेलिया से सब लोग पहुँचाए गए हैं। मकान पंकज शुक्ला का है, पंकज मकान पूरा गिर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से अभय वर्मा की रिपोर्ट।